जी, मेरा नाम कोमल खान है और मैं सादकाबाद की रहायशी हूँ। ये मेरी फ्रेंड है आफिन खान, इसके साथ रात अमजा लड़का है सादकाबाद का, उसने बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, इसको मारा है काफी दिन पहले। वो इसको कॉल करके बदतमीजी कर रहा है, धमकियां दे रहा है। और रात ये फंक्शन पे गई थी, जैसे ही फंक्शन अटेंड करके आई है तो वो इसका पीछा कर रहा था, और जैसे ये गाड़ी से उतरी है तो इसने उस लड़के ने इसको मेन स्ट्रीट लाइनों पे पकड़ लिया और इसको मारा है बालों से, 10 लीटर इसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया और इसको ट्रेन के नीचे दे रहा था। और इसको अब मतलब कि हम लोग रात गए हैं थाना सिटी सादकाबाद में, हमने दरख्वास्त दी है। अब वो फोन करके हमें बोल रहे हैं कि मैं आपके ऊपर तजाब फेंक दूंगा, आपके साथ ये करूंगा, आपको गोली मार दूंगा, आपका मकान खाली करूंगा, मैं आपको रहने नहीं दूंगा। खुदारा हमारे साथ इतने जुल्म क्यों हो रहे हैं? खुदारा हम कौन सा इंसान नहीं है? हम इंसान नहीं है या हम पाकिस्तानी नहीं है? हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, हमें भी तहफ्फुज मिलना चाहिए। खुदारा मैं इमरान खान साहब आपसे अपील करती हूँ कि आप हमारे कुछ तो नहीं सर जी, हमारे तहफ्फुज दिया जाए। जो हमारे शीमेल के साथ आए रोज जो नए से नए जुल्म सितम हो रहे हैं, पिछले दिनों मेरे हिमियर खान ने हमारी शीमेल पे एक तजाब फेंक दिया उन्होंने सारा, वो बेचारी सब जल गई, उनकी आंखें चली गई, वो मतलब कि जिंदा लाश की तरह गुजार रही है। अब खुदा ना खास्ता अगर इसके फेंक दे कुछ भी हो जाए सर, हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब लोग हैं, हमारा तो कोई भी नहीं है। खुदारा हमें, मैं इमरान खान साहब से अपील करती हूँ कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी आवाज को सुना जाए, हमें कुछ ना कुछ तो तहफ्फुज दिया जाए। आखिर हम भी इंसान है, हम भी साहब से हमारी गुजारिश है कि डीपीओ साहब हमें हमारी आवाज को सुने, हमें इंसाफ लेके दें, हमें कुछ थोड़ा सा तहफ्फुज दें, हम भी इंसान है। एएसपी आसिफ रजा साहिब सादकाबाद वाले सर, आपसे गुजारिश है हमारी सर जी, आप तो हमारी आवाज सुने, आप तो हमें हमारे ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है सर, आप हमें उसको देखें सर, आप में ये जो बदमाश है सादकाबाद के सर, जो रोज जुल्म करते हैं हमारे ऊपर, हम इतना बर्दाश्त करके कर थक गए हैं सर, हमारी कोई नहीं सुनता। मेरे ब्राय मेहरबानी सर, आपसे गुजारिश है कि हमारी बात सुनी जाए, हमें तहफ्फुज़ दिया जाए।